तो हमने सबसे पहले बात कहाँ करनी, कहाँ की करी, बिहार डेवलपमेंट फोरम, ठीक है। हम लोग एक अपने प्रयास से, सामूहिक प्रयास से, और सामूहिक क्या, कहीं ना कहीं से एक व्यक्ति से प्रयास शुरू होता है। मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल, मगर कारवां बढ़ता चला गया, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता चला गया। तो कोई एक व्यक्ति कुछ सोचता है, सब लोग जुड़ जाते हैं, धीरे धीरे वो मोशन और मोमेंट क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। हमने ऐसे ही एक बार बिहार के लिए बजट प्रेजेंट किया था, उस बजट की कॉपी हमने वित्त मंत्री को दी, उसमें से 2-3 पॉइंट उन्होंने बजट में जोड़ लिए, तो कुछ फायदा हो गया ना। तो अब हम लोग ये बिहार डेवलपमेंट फोरम कर रहे हैं, इसमें तुम लोग आइडियाज प्रेजेंट करोगे। तुम लोग मेरा ऑडियो सुने थे जो मैंने बिहार डेवलपमेंट फोरम के लिए आइडियाज वाला, तो उसमें मैंने रैंडम जो जो आइडिया आया मैं लगातार बोलता गया। तुम लोग समझ सकते हो कि लगातार व्हाट्सएप को ऑन करके बोलते रहना भी कोई आसान काम, तुम लोग को अगर बोलना हो तो तुम लोग को दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अगर कुछ अटक भी गए तो तुम्हारे पास उसको एडिट करने का मौका नहीं है उसी, और मेरा कॉल तो 20-25 मिनट का भी होता है, यानी मैं लगातार अपनी बातों को रख रहा हूँ। मुझे उम्मीद होती है कि मेरे बच्चे कुछ सुनेंगे और कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो मैंने कई सारे आइडियाज देते, तुमने सुना उसको, क्या तुमको लगता है उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है? तो यू कैन नॉट स्टॉप ए आइडिया, वो टाइम हैज कम। और अब इस राज्य में एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, स्टार्टअप्स को लेकर के, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के, जॉब क्रिएशन को लेकर के काम करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अदरवाइज जो हमारा आज एडवांटेज है यूथ फोर्स, यही यूथ फोर्स हमारा डिसएडवांटेज हो जाएगा। मैंने सिमेज में टास्क फोर्स नाम सोचा तो किसी ने कहा कि गड़बड़ ना हो जाए, जो चीज़ अच्छे के लिए बने। भाई पुलिस को बनाया गया कानून व्यवस्था के लिए, अब कई बार पुलिस ही कानून व्यवस्था को तोड़ने वाली बन जाती है, तो हुआ कि एक नया समस्या ना तैयार हो जाए। मैंने कहा कि नहीं, हमारे बच्चे जो हैं उनको हम पूरा ध्यान रखेंगे, और उनको जो जिम्मेदारी दी जा रही है उस जिम्मेदारी का वो बेहतर तरीके से पालन करेंगे, और उस जिम्मेदारी के साथ जितना वो बेहतर पालन करेंगे उनको क्या मिलेगी, शक्ति। जिम्मेदारी के संग जो वर्ड जुड़ा हुआ है वो क्या है, शक्ति। वेन एवर यू विल गेट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू विल गेट पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी विल ऑलवेज कम विद पावर, इन योर ओन पर्सनल वन सेल्फ, इन योर फैमिली, इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड इन सोसाइटी। कहीं पर भी सोसाइटी में भी तुमको जिम्मेवारी मिलेगी तो तुमको क्या मिलेगा, पावर मिलेगा। नेशन में तुमको जिम्मेवारी मिलेगी तो तुमको क्या मिलेगा, नरेंद्र मोदी को जिम्मेवारी मिली कि नहीं मिली, पावर मिला कि नहीं मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटी विल ऑलवेज कम विथ पावर। जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ज्यादा पावर। और तुम्हारे संग एक समस्या एक है, तुम्हारे संग मतलब सबके साथ है, कि जिम्मेवारी वर्ड को लोग एक बोझ के रूप में लेते हैं कि ये जिम्मेवारी हमको, मेरे पास है, ये मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेवारी है, इसकी जिम्मेवारी, उसकी जिम्मेवारी, इधर की जिम्मेवारी, उधर की जिम्मेवारी, मेरा कंधा झुक गया जिम्मेवारी से। जिम्मेवारी से कंधा झुकना नहीं चाहिए, कंधा चौड़ा होना चाहिए। पावर तो मतलब है कि यू शुड बी मोर स्ट्रांग, पावर डजंट मीन्स यू शुड बी वीक, पावरफुल का मतलब स्ट्रांग की वीक। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आ रही है पावर, और फिर लोग कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी हो गई कि कंधा झुक गया। तो जिम्मेवारी को तुम लोग जोड़ लो दिमाग में पावर के साथ। इफ यू डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी यू विल नेवर गेट पावर। लोग जिम्मेवारियों से बचते हैं लाइफ में, तुमको मैं बता दे रहा हूं, कभी भी जिम्मेवारी से बचना, और जिम्मेवारी तुमको कोई देगा उसका इंतजार, जिम्मेवारी लेने के लिए आगे बढ़ना होगा। और यही सीखना बहुत बड़ा सीखना है। सारा किताब रट जाओ, आंसर लिख दो, फिर भी लाइफ में फेलियर हो जाओगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाओगे, प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, एफर्ट्स डालना, और फिर कंसिस्टेंटली करना, और फिर फेलियर से नहीं घबराना, ये सीख गए तो कोई किताब एग्जाम के मतलब नहीं है, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। आई एम टेलिंग यू, यू विल बिकम सक्सेसफुल।